दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय हीरा बैंकेट हॉल फुली एयर कंडीशनर एट सैयद अली चबूतरा नियर शाहगौस होटल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तमाम का A18 तेलंगाना न्यूज़ में इस्तकबाल है। फार्मर्स प्रोटेस्ट यानी किसानों का एहतजाज, चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इंदिरा पार्क में महाधरने में शिरकत करते हुए मरकज से तेलंगाना में पैदा होने वाले कुल धान खरीदने का मुतालबा किया। तेलंगाना मिनिस्टर्स, MLAs, MPs, MLC ये तमाम भी इसमें शामिल थे। पेश है हमारे नुमाइंदा रिपोर्टर इमरान खान और मोहम्मद शौकत की A18 तेलंगाना न्यूज़ से ये खसूसी रिपोर्ट। हर अहम खबर से बाखबर रहने के लिए A18 तेलंगाना न्यूज़ को यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। पैडी प्रोक्योर मत करो, हम पैसे पे नहीं करेंगे। यहाँ की गली बीजेपी सूर्यापेट जाके बोलती है कि हम आपके साथ हैं, आप प्रोक्योर करो। फार्मर्स बेचारे कंफ्यूज है, प्रॉब्लम में है। उनके साथ TRS गवर्नमेंट, KCR सर और हम सब TRS के सोल्जर्स उनके साथ हैं। उनको अनजस्टिस नहीं होने देंगे। और अभी धरना चौक पे गोशामल कॉन्स्टिट्यूएंसी से हमारे 1000 से ज़्यादा कार्यकर्ता TRS सोल्जर्स मिलकर फार्मर्स के लिए लड़ाई करेंगे। जब तक ये चीज़ सॉर्ट नहीं होगी, हम फार्मर्स के साथ हमेशा है, हमेशा रहेंगे। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। 8000 से ज़्यादा TRS पार्टी के सोल्जर्स आज धरने में पार्टिसिपेट होने के लिए रवाना हुए हैं। हम सेंट्रल गवर्नमेंट से विनती करते हैं, वो किसानों के साथ अन्याय न करें। तेलंगाना राष्ट्र समिति और KCR की सरकार हर वक्त फार्मर्स के साथ थी और आज फार्मर्स के तकलीफ को देखकर उनके हितों के लिए हम धरना देने जा रहे हैं। मैं सभी BJP नेताओं से एवं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडरों से विनती करता हूं कि किसानों के खिलाफ जो भी हो रहा है उसको रोके, किसानों का बुरा न करे, किसानों के साथ न्याय करे। धन्यवाद। जय तेलंगाना, जय KCR। अबरार फैशन फैब्रिक्स, मल्टी ब्रांडेड फैशनेबल टेक्सटाइल शोरूम, रेमंड्स, रीड एंड टेलर, सियाराम और डिगजाम जैसी कंपनीज का कलरफुल कलेक्शन, सूटिंग्स, शर्टिंग्स के अलावा डिजाइनर शेरवानी, डिजाइनर सूट्स, जोधपुरी, सदरी, कुर्ता पाजामा और पगड़ी, बेहतरीन सिलवाई के साथ आपकी हर पसंद का लिहाज वाजिबी दाम में, बिल्कुल ही नए स्टॉक के साथ आपकी तशरीफ आवरी के मुंतजिर। बदलते फैशन के हम कदम अबरार फैशन फैब्रिक्स, मूसा बोली बिसाइड पिस्ता हाउस, हुसैनी आलम रोड, हैदराबाद।